सिंह, मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरु देव भगवान जी के चरणों में उपस्थित सारस्वत मिशन का अर्चनीय वंदनीय संत समाज, उनके श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन। श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, आप अभी बड़ा ही आनंद ले रहे थे, बहुत ही आनंद। इस आनंद में सदगुरु की कृपा बरस रही, ये नजारे रोज रोज नहीं मिलते। कहते ना, किसी के घर में बालक हो तो धमाल मचाया जाता है, ये आज उसी तरह का उनके आने की खुशी में धमाल हो रहा था। किसी के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो त्रिलोकी नाथ धरा धाम पर आ रहे हैं, और दो दिन बाकी हैं, वो आ रहे हैं। तो उनके आने की खातिर हमने अपने दिल को, अपने हृदय को सजाना है। अब यहाँ बड़े सुंदर सुंदर भजन भाई रविंद्र जी से, संदीप जी से, इन संत महापुरुषों से, करण जी से, और वो बेटा लक्ष्य, कहते ना गुरु दरबार के उभरते सितारे हैं, गुरु दरबार के उभरते सितारे हैं, हमें बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु महाराज जी अपने घर में ही ऐसे लाल पैदा कर रहे हैं, किसके अंदर कमी है, किसी के अंदर सब भरपूर है। जो सदगुरु से प्यार करता है वो उसको कोई ना कोई गुण से भरपूर कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं। तो हमारे सदगुरु देव भगवान कहते हैं कि तुमने क्या करना है। श्री परमहंस दयाल जी का मैं इरशाद बताऊं कि वो कहते थे, एक बार एक व्यक्ति आया और परमहंस दयाल जी के चरणों में कहने लगा कि जो बादशाह आपका अनुयायी है, राजे महाराजे बादशाह दादा गुरुदेव जी के अनुयायी थे, रोज सत्य करते थे। एक व्यक्ति ने आकर दादा गुरु महाराज जी से कहा कि परमहंस दयाल जी, आपके चरणों में जो बादशाह आते हैं ना, उनके दरबार में एक मंत्री है, वो इतनी शराब पीता है, इतनी शराब पीता है, हमें तो बड़ा अजीब लगता है आपके शिष्य होकर और उनके अंदर ऐसे लक्षण हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री परमहंस दयाल जी ने कहा कोई बात नहीं, समझाएंगे। जब ये कहा तो उन्होंने साथ ही ये प्रमाण दे दिया, किसी व्यक्ति को लगाया कि जाकर देखो तो सही। इस व्यक्ति ने कहा ये नहीं, किसी ने कह दिया तो उसकी बात के ऊपर विश्वास कर लिया। वो कान का बच्चा होता है, अगर कोई कह दे उसके कहने पर इंसान मान जाए तो उस बादशाह ने पता क्या किया। परमहंस दयाल जी ने भी उन्हें कहा, उन्होंने कहा इसकी खोज करो, ये कितनी पीता है, कैसे पीता है। उन्होंने एक व्यक्ति को लगा दिया पीछे कि जाओ देखो वो मंत्री किस तरह पीता है। व्यक्ति गया, उसने रात को देखा तो वो व्यक्ति अंदर भी गया और उसने बोतल खोली, प्याला भरा, पिया और पता क्या था, तो सामने बोला ये प्याला मैंने पिया है, मेरे दिन की थकान मिट गई। अब उसने दूसरा प्याला भरा, जब दूसरा प्याला भरा तो प्याला पीने के बाद कहता है अब जो है मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा। और तीसरा प्याला जब भरा तो कहने लगा अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं मस्त हो रहा हूं। जब से चौथा प्याला भरा उसने कहा अगर मैं इसको पी गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, अब इसको नहीं पीना। उसने वो प्याला गिरा दिया। जब ये मृदान श्री परमहंस दयाल जी के पास पहुंचा कि एक पिया तो उसने ये कहा, दूसरा पिया तो ये कहा, तीसरा पिया तो ये कहा, चौथे पर उसको उसने उल्टा दिया कि मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। तो परमहंस दयाल जी ने कहा तुमने कुछ देखा, उसने अपनी इंद्रियों पर कितना संयम कर रखा है, अपनी इंद्रियों पर आज कोई एक पीले और नशा चढ़ता है, एक पीले और नशा चढ़ता है और उसको अपनी सुध-बुध नहीं रहती। कहते हैं बेहोश भी हो लेकिन अंदर से होश रखो, इतनी होश मत खो दो कि दुनिया तुम्हें कहे कि ये क्या हाल हो गया। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम रखो, संयम रखोगे तो तुम्हारा जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। तो आइए, हम अजय जयंती भी मना रहे हैं, इतने दिनों से
क्योंकि आज आखिरी सत्संग है और हमें भगवान राम की रामनवमी भी मनानी है, वो भी मना रहे हैं। एक ही दिन दोनों महापुरुष इस धराधाम पर आए। तो राम ने राम के विषय में रामायण में क्या लिखा है, राम एक तापस किए तारी नाम कोटि फल कुमत सुना। उन्होंने करोड़ों कुमतियों को सुमति में बदल दिया, उनका उद्धार कर दिया। एक बार क्या हुआ, कबीर जी के घर में एक व्यक्ति आया, एक राजा को कुष्ठ रोग हो गया, बीकानेर का राजा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया, ओढ़ निकल आया सारे शरीर पर, उसने बहुत इलाज किए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मन में धारण कर लिया, अब तो काशी में जाकर कलवतर पर अपना शरीर ही त्याग दूं, ये सोच लिया। तो वो जा रहा है तो रास्ते में कबीर जी का घर आ गया, कहते चलो शरीर तो खत्म करना ही है, कबीर जी को प्रणाम करके जाऊं। कबीर जी घर में मिले नहीं, जब घर में नहीं मिले तो उनका बेटा कमाल बैठा, उन्होंने कहा आओ राजन कैसे आए, तो उनको अंदर से तड़प थी, उन्होंने बता दिया कि मुझे कुष्ठ रोग है, अब मैं तंग आ गया हूं, जीवन समाप्त करने चला। तो कमाल जी पता क्या कहने लगे, बस इतनी सी बात है, आप यहाँ बैठो। तो कमाल ने क्या किया, तीन बार राम राम कहा और जल का छींटा राम राम कह पर लगाया, उसका सारा कोढ़ दूर हो गया, कोढ़ दूर हो गया। राजा बड़ा खुश, राम नाम में इतनी ताकत, और उधर कमाल के दिल में क्या आ गया कि मैंने तीन बार राम का नाम लिया और इसका कोढ़ दूर हो गया, अंदर से बड़ा ही खुश। और ये सोचे कब पिताजी आए, कबीर जी आए तो मैं उनको बताऊं कि मैंने तीन बार नाम लिया और उसका कोढ़ दूर हो गया। अब जब कबीर जी आए, उन्होंने पिताजी को कहा कि पिताजी तीन बार राम नाम लिया और उसका कोढ़ दूर हो गया। अब कबीर जी ने पता क्या कि इसका वंश तो डूबने वाला है, वो पहचान गए कि ये अभिमान बोल रहा है कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने कहा इसका अभिमान, अरे गुरुदेव भी अपने शिष्य के अंदर अभिमान नहीं आने देते, तो उन्होंने कहा कि इसका अभी से पकड़ ले तो अच्छा है, अभिमान आ गया तो इसका पतन हो जाएगा। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने तुलसीदास जी के पास भेज दिया, पाती लिख कर, और महापुरुष महापुरुषों की बात समझ जाते हैं। तुलसीदास जी समझ गए कि कबीर जी ने क्यों भेजा है, तो उन्होंने कहा कबीर जी बेटे को कमाल जी ऐसी बात है, आपने तीन बार नाम लिया, मैं एक बार लूंगा और मैं 500 कुश्तियों को ठीक करूंगा, और 500 तुमने एक को ठीक किया, मैं 500 को ठीक करूंगा। उसके सामने ही 500 रोगी आए, उन्होंने एक बार राम कहा, उनके दुख दूर हो गए। अब उस कबीर जी के मन में जो था, उनको उस बच्चे को कमाल को मिला, उसका सिर नीचा हुआ कि मैंने तीन बार कहा तो एक व्यक्ति को ठीक किया, इन्होंने एक बार कहा तो 500 लोगों को ठीक किया। तो अब क्या हुआ, जो 500 वाला था उसके मन में भी अभिमान आ गया। अब उसको ना चिट्ठी दी कि तुलसीदास जी को भी ले जाओ और साथ में तुम भी जाओ, अब जरा सूरदास जी के पास चले जाओ, सूरदास जी के पास चले जाओ। अभी आप प्रमाण सुन रहे थे ना कि दादा गुरुदेव भगवान जी ने कैसे प्रेरणा की कि एक बच्चे में पेट में दर्द था, काम फकीरों के पास भेजा, दादा गुरुदेव की प्रेरणा से फकीर कहां अमेर से चलकर कहां आए और उसका पता रोग कैसे दूर गया, एक धागा दिया उसने खाया और जो उसके पेट में तकलीफ थी उसको विष्णा पेट कर, पेट साफ हुआ तो सारा दुख दूर हो गया। तो जब उन्होंने कहा कि अब जाके सूरदास जी के पास चले गए, जब सूरदास जी के पास गए तो दोनों कमाल भी था और तुलसीदास जी भी थे, तो उन्होंने जो कागज पर लिखा हुआ था वो पढ़ लिया, सूरदास जी ने पढ़ा नहीं, उनको दिखाई नहीं देता था। उन्होंने कहा भैया जो लिख कर लाए हो मुझे दिखाई नहीं देता, आप पढ़कर सुना दो। उन्होंने सुना दिया कि तीन बार राम कहा तो एक व्यक्ति ठीक हुआ, एक बार राम कहा तो 500 व्यक्ति ठीक हुए,
तो उस वक्त सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था। तो सूरदास जी ने कहा, भैया गंगा के किनारे जाओ, एक मुर्दा बैठा हुआ है, देखो दिखाई नहीं देता, अंदर की आंख से उन्होंने देखा कि जाओ गंगा के किनारे एक मुर्दा आ रहा है, उसको लेकर आ जाओ। अब वो गए गंगा के किनारे, अंदर से सोचे कमाल जी ये दिखाई देता नहीं, हमें भेज रहे हैं गंगा के किनारे और मुर्दा, थोड़ी देर में मुर्दा बैठा हुआ आ गया। वो उठाकर लाए और सूरदास जी के चरणों में रख दिया। अब सूरदास जी ने क्या किया, उन्होंने केवल राम नहीं कहा, अभी राम कहा तो वो मुर्दा जी उठा। ये राम नाम में ताकत है। वंश्यापति रामचंद्र महाराज की जय। ये राम नाम में ताकत है। अगर हम राम राम कहते हैं तो भी हमें आनंद मिलेगा, हमारे कष्ट दूर होंगे। अगर केवल राम कहेंगे तो भी कष्ट दूर होंगे। अगर मुंह से केवल राह ही निकलेगा तब भी कष्ट दूर होंगे। तो कमाल का भी सिर नीचे झुक गया। कबीर जी ने अपने बेटे का गर्व एकदम चकना चूर कर दिया। तो तुम में कुछ कमाल नहीं, कमाल तो राम नाम में है। तो इसलिए राम नाम जपो, तुम्हारे दादा गुरुदेव को राम रूप थे, राम याद थे, राम नारायण थे, ऐसी ताकत ये सारी ताकतें उनका अंदर थी। आज हम उनके अनुयायी कहलाते हैं। तो मन में सदा कभी अभिमान मत रखना, मान करना हम ऐसे ऊंचे दरबार के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, ये मान रखना। अस अभिमान जाए जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस मान के साथ चलेंगे तो हमारे गुरुदेव हदा सदा हमारे अंग संग है, हमारी रखवाली करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे अंदर वो अभिमान नहीं आने देंगे। इसलिए राम नाम की भी महिमा भारी है। हम भजन गाते हैं ना, तू डूबा हुआ तारे जाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। राम नाम की महिमा भारी, अहिल्या पत्थर से बन गई नारी। क्या क्या कहे, क्या क्या कहे, कौन कौन से कौतुक नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज परमहंस विहार जी ऐसी शख्सियत, बादशाह के बादशाह शाहे मिला है। आज देख लो आखिरी सत्संग है, गुरु महाराज ने आपको इसके अंदर ही सारे नजारे दिखा दिए। दिल तो करता है ये रात कभी बीते ना, हम तभी तो गाते हैं। और गुरु महाराज ऐसे दृश्य दिखाते भी थे, सारी सारी रात सत्संग होते थे, गुरु महाराज की कृपा बरसती थी और अब भी वो कृपा बरसेगी। रात को सोए ना तो गुरु महाराज जी इसी तरह आपको नजारे दिखाएंगे। तो इसलिए ध्यान गुरु महाराज जी का करना, किसी और का मत करना। ये रात मस्ती देने वाली है, ये रात आनंद देने वाली है, तो इसलिए हमें आनंद को पाना है। तो भाई मैं भी समय का ख्याल रखूंगी, समय के अंदर चलना है, ज्यादा लूंगी तो फिर सवेरे बाकी की गतिविधियां करनी है, सेवाएं करनी है। तो सेवा के लिए कल से तैयार होकर आश्रम में आ जाओ, घर के काम सारे गुरु महाराज जी करेंगे। अभी प्रमाण सुनते हो ना कि महाराज जी इधर भी गुरु महाराज जी हाथ भी देते हैं और दफ्तरों में भी हाथ भी देते हैं। घर के सारे घर तीन दिन घर में रोटी मत बनाना, आश्रम में लंगर चलेगा, गुरु माई का लंगर खाओ, गुरु माई की सेवा करो, गुरु के गुण गाओ, इसी में ही हमारा कल्याण है। तो भाई आज के इस सत्संग की ये सारे सुभाष नगर के सारे गुरु महाराज के बच्चे सेवादार, देखो ये भी एक बहुत बड़ा ये बच्चों को धीरे धीरे सीख देते हैं ये कैसे सेवा करनी है। वो अपनी कमाई में से सेवा इकट्ठी करके जोड़ के ये इतने सुंदर आयोजन करते हैं। तो मेरी गुरु महाराज के चरणों में ये अरदास है, इन बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, इनके ऊपर अपनी रहमतों की बरसात करना, इनके भक्ति इनका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए, गुरु माई जी की कृपा सदा बनी रहे। और आज के इस सत्संग की इन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। और आज सारी संगत को भी आज के इस सत्संग की दादा गुरुदेव भगवान जी के भगवान राम जी के पावन अवतरण दिवस की लाख लाख बधाई और आनंद से खुशियों से आप सबकी झोलियां भरी रहे। तो बड़े प्यार से ऊंचे स्वर से भैया पता चले सुभाष नगर में सत्संग हो रहा है, पूरा जोर लगा के आप गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री लंगले
ब्यास जी महाराज की जय, सरकार की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। पाठन स्कूल के चांद ने जग में किया प्रकाश,